तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव। तो फटाफट हम लोग देरी ना करते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन और डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में मेनली हम लोग पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, वो हम लोग पहले फटाफट बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या होगी, मतलब किसी भी क्वांटिटीज की चेंज, ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज होगी वो बात करते हैं। फिर बात करना है हम लोग को कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। इसमें हम लोग दो टाइप चीज पढ़ते हैं, पहला कि ये कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, और दूसरा कि हमको वैल्यूज बताना होता है इस फंक्शन में कि किस वैल्यूज पर ये इंक्रीजिंग है या किस वैल्यूज पर ये डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट होता है हम लोग का टेंजेंट नॉर्मल। तो टेंजेंट नॉर्मल जो है ये तो सिंपल हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा, टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है और नहीं है तो इसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हम लोग अप्रोक्सीमेशन। तो किसी का भी फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसी भी नंबर पे कैसे निकलेगा। फिर है मैक्सिमम मिनिमम, कोई भी फंक्शन को मैक्सिमम कब कहेंगे या मिनिमम कब कहेंगे, या उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर होगी या किस वैल्यू पे निकलेगी। तो आज इतने सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे हम लोग सिर्फ एक वीडियो में। ये वीडियो भले ही लंबा हो लेकिन ये वीडियो बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर ये चैप्टर नहीं पढ़े हो तो भी बहुत अच्छा है, और पढ़ लिया है तो भी अच्छा है, और ये वीडियो देखने के बाद तो समझ में आ ही जाएगा पूरा डिटेल। ये गारंटी मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के बाद कि अगर समझ में नहीं आएगा तो एकदम बोलना कि नहीं समझ में आया, ये बोल ही नहीं सकते, ये मौका ही नहीं मिलेगा तुमको ये बोलने का। मैं देखता हूँ कौन बोलता है कि समझ में नहीं आया, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अब थोड़ा सा हम चेंज करेंगे वीडियो पैटर्न में, हम लोग थॉट्स की बात करेंगे कि आपकी थॉट क्या रहेगी। तो जब भी जो वीडियो आएगी उस दिन हम लोग एक थॉट पे बात करेंगे, ठीक है, कुछ मोटिवेशनल पे, ठीक है, थॉट पे बात डिस्कस करेंगे। तो आज का जो थॉट है वो कुछ इस तरह से है, अगर आपने पूरे साल पढ़ाई की हो तो एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई की हो तो एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ में अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की हो तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर आपने साल भर थोड़ी 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 पढ़ाई की है, ठीक है, फाकी नहीं मारे हैं, आराम से पढ़े हैं, कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई की हो, लगातार पढ़ाई की हो, तो आपको सब एक दिन अगर आप ना भी पढ़े, एक दिन थोड़ा सा लापरवाही में चला गया तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, आपका जो पढ़ाई है वो कभी बेकार नहीं जाता। लेकिन अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की और एग्जाम नजदीक आ गया, आप सोचोगे उस टाइम में पढ़ के क्या करोगे, बहुत बढ़िया मार्क्स लेता होगे, तो वो बड़ा बेकार वाली बात होती है, वो करना पॉसिबल नहीं है। बट कर सकते हो अगर, क्या बोलते हैं, अगर वो दृढ़ निश्चय रहेगा तो करने वाला एक दिन पे भी कुछ क्वेश्चन तो कर लोगे पास मार्क्स, बट अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये बोलने का मतलब क्या था इस क्वोट का, कि अगर तुम अगर साल भर पढ़ते हो तो एक दिन अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर साल भर नहीं पढ़ते हो तो एक दिन पढ़ भी लोगे तो कोई दिक्कत वैसा होने वाला है नहीं। जो जैसी तुम्हारी साल भर की मेहनत है उसी का रिजल्ट तुम्हें एग्जाम के दिन मिलेगा, ठीक है। तो आज का यही क्वोट्स था। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं आज, ठीक है। आज का जो मेन मुद्दा है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सिंपल हम लोग को बात क्या करना है, ये तो टॉपिक्स तो हम लोग बता दिए। अब टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक क्या है, रेट ऑफ क्वांटिटीज, है ना। तो हम लोग किसी भी क्वांटिटी का रेट कैसे समझेंगे, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं, इसको तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब उसी डिफरेंशिएशन को अब हम लोग रेट भी कहते हैं, वो कैसे ये समझो, ठीक है। तो ये टॉपिक हम इरेज कर देते हैं। तो टॉपिक क्या है हम लोग का, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अब बात करते हैं, सबसे पहले मान लो हम लिखे dy by dx, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि ये गलत है, ठीक है। तो बस इस डेरिवेटिव को ही हम लोग रेट वर्ड बोलते हैं, ठीक है, इस डेरिवेटिव को ही क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। यानी इस dy by dx को हम लोग ये भी बोल सकते हैं रेट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू 2x, ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। तो जो भी हम लोगों ने डेरिवेटिव किया उसी को किस लैंग्वेज में कहेंगे, रेट के लैंग्वेज में कहेंगे। अब बोलेगा सर थोड़ा सा और कंफ्यूजन है, तो जब हम लोग बात करते, तुम लोग क्लास 10th में पढ़े हो चाहे 11th में भी, तुम लोग डिस्कस किया था कि हम लोग ds by dt क्या बोलते हैं। s यहाँ पे तुम लोग का डिस्प्लेसमेंट है
और टीम एक्स है, सॉरी टी लिखो इसको, और टी है हमारा टाइम। तो डीएस बाय डीटी को तुम लोग क्या बोलते थे, वेलोसिटी बोलते थे? इसमें कोई दोराई है, कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जब इसको बात करेंगे v इक्वल टू डीएस बाय डीटी, अब हम लोग ये चीज पढ़े हैं, तो डीएस बाय डीटी को क्या पढ़ोगे बताओ, पढ़ोगे उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी एस, अभी हम लोग बोले ना कि डी वाई बाई डी एक्स अगर लिखी हुई है तो क्या पढ़ोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको क्या पढ़ोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी, एस यानी डिस्प्लेसमेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो ये, अब ये डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ये किसका डिफिनेशन है, वेलोसिटी का, है ना। तो ये चीज हमको समझना है कि जो हम लोग डेरिवेटिव निकालते थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट के लैंग्वेज में अब कहेंगे, ठीक है। ये हम लोग को समझना है, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना है, ठीक है। मतलब जो हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते थे उसी को क्या कहेंगे हम लोग, अब रेट कहेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज यही है, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग को क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हम लोग को कोई भी क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, हमको बोल दिया जाएगा कि बलून बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है बलून की, या बलून की साइज घट रही है, इसकी रेट बतानी होगी, ठीक है। कि बलून इस स्पीड से बढ़ रहा है तो उसकी रेडियस पर क्या साइज होगा, ठीक है। अगर बलून का साइज घट रहा है तो क्या होगा, अगर हम स्क्वायर का साइज बढ़ा रहे हैं इसी हम कुछ स्पीड से, तो मान लो हम उसका लेंथ रख दे 10 सेंटीमीटर, तब पेरीमीटर क्या होगा, एरिया क्या होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। तो लाइन बाय लाइन हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, तो जब क्वेश्चंस को देखोगे उसके बाद तुम लोग का अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा, ठीक है, कि क्वेश्चंस को एक्चुअल में डील कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन समझो, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, शॉर्ट में देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, व्हेन आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 5 सेंटीमीटर हमारा रेडियस है, हमको बताना है कि एरिया किस रिस्पेक्ट में चेंज होगा रेडियस के, ठीक है। एरिया यानी हम लोग मान लेते हैं कि ये कैपिटल ए है, रेडियस हमारा आर है। अब बात आता है किस फिगर की बात हो रही है, तो क्वेश्चन में हम लोग ऐड कर देते हैं, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया की बात कर रही है ये हमारी सर्कल की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, सर्कल की बात की जा रही है, क्योंकि रेडियस दी हुई है, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना है, रेट निकालना। देखो अब बात अभी बताए थे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस जो बोला, ये क्या बताया हम लोग, इसी को क्या कहेंगे, किस लैंग्वेज में, डेरिवेटिव कहेंगे। यानी हमको सिंपल क्या फाइंड करना है, डीए बाय डीआर फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, डीए बाय डीआर फाइंड करनी है। इसी को पढ़ेंगे हम लोग क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ऐसा पढ़ेंगे, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन को ही हम लोग क्या बोले, अब रेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, चेंज ऑफ वन वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वैल्यूज, ठीक है। मतलब एक वैल्यू चेंज हो रहा है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, चाहे रेट बोलेंगे। अब हमको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये हम लोग का होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है कि देखो डी बाय डी आर क्या करेंगे, दोनों तरफ लगा देंगे, तो डी बाय डी मतलब डेरिवेटिव कर रहे हैं दोनों तरफ किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब हम लोग को पता है कि ये जो पाई ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वाली चीज कहां आ जाएगी, बाहर, इसको ऐसा लिखेंगे हम लोग। अब हम लोग किसका डेरिवेटिव निकालना है, आर स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो क्या आता है, 2x आता है। कैसे निकलता है, ये जो पावर है आगे आ जाता है और ये पावर एक कम हो जाता है, ये होता है डेरिवेटिव ना, ठीक है।
इसका डेरिवेटिव होता है 2x, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का 2r, पाई पहले से है यानी हो गया हम लोग का 2 पाई r। अब देखो dA बाय जो dr पूछी गई है किस वैल्यू पे पूछी गई है, r 5 सेंटीमीटर पूछी गई है। सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो रेट निकालनी है यानी स्पीड निकालनी है हमको किस r वैल्यू पे निकालनी है, देखो इसको लिखने का तरीका ऐसे लाइन दे देना, r कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो जब r 5 सेंटीमीटर तुम पुट करोगे दैट मींस हम लोग इस r की वैल्यू यहां पुट करेंगे यानी 2 * पाई * 5 यानी कितना आ गया 10 पाई। मतलब इसका जो रेट है यानी dA/dr ये क्या है 10 पाई। अब बोलोगे सर इसका यूनिट कैसे डिसाइड होगा, देखो यूनिट डिसाइड करना सबसे सिंपल है, रेट है देखो ऊपर एरिया ऊपर क्या है ऊपर क्या लिखा हुआ है a यानी मीटर स्क्वायर मान लो ठीक है या सेंटीमीटर है ना सॉरी सेंटीमीटर यूनिट ना, एरिया हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर होता है और आर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो देखो कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर ठीक है, यही क्या होगा इसका वैल्यू इसका रेट ठीक है। इसको दो तरह से लिखा जाता है, या तो ऐसा लिखो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ठीक है। तो ये तो हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया। अब यहां से तुम लोग को बेसिक क्लियर हो चुका है कि मान लो जब भी किसी की रेट पूछी जाएगी हमारे मैथ में या फिजिक्स में, जब भी रेट पूछी जाएगी यानी क्या डेरिवेटिव यानी किसी भी वैल्यूज या किसी भी फंक्शन की, एक्चुअली में एरिया भी क्या हमारा एक फंक्शन है क्योंकि एरिया किस पर डिपेंडेंट कर रहा है आर पे, तो एक तरह का ये भी फंक्शन है। तो एरिया की वैल्यू क्या निकली आर निकली, आर के रिस्पेक्ट में काम कर रही है। तो जब एरिया की वैल्यूज निकालोगे दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू आर निकालना है हम लोगों को ठीक है। तो जब किसी का भी वैल्यू किसी के रिस्पेक्ट में निकालना है उसी को क्या कहेंगे, रेट कहेंगे या डेरिवेटिव कहेंगे। तो सिंपल हम लोग को मेनली जिसके रिस्पेक्ट कर रहा है उसको चेंज नहीं करना, जैसे रेडियस के रिस्पेक्ट की बात की जा रही है तो नीचे रेडियस ही रहेगी, हम लोग को चेंजेस करना है एरिया की फॉर्मूलाज बिठानी है, यहाँ पे वॉल्यूम भी इस्तेमाल कर सकता है। मान लो यही सेम क्वेश्चन हम लोग ऐसा कर दे, थोड़ा चेंज कर दे क्वेश्चन में चेंज कर दे, क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, अच्छा वी लिख दे रहा कोई दिक्कत नहीं ना होगा ठीक है, वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ठीक, थोड़ा इसको भी आगे रखते हैं, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए यहाँ पे, इसमें कोई कंफ्यूज मत करना। अब यहाँ जो वॉल्यूम की बात हो रही है तो मतलब ये हमारी स्फीयर हो जाएगी, ये क्या हमारी स्फीयर है, कंडीशन वही है आर वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर ठीक है, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए ठीक है। अब यहाँ बात समझो थोड़ा सा, अब हम लोग का देखो क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है। तो सिंपल हम लोग को निकालना क्या एक्चुअली में डी बाई डी आर निकालना है, मतलब हमको रेट ऑफ चेंज बोला है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ बी निकालनी है किसके रिस्पेक्ट पे आर के रिस्पेक्ट पे ठीक है। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के फॉर्मूला जानते हैं, तो वॉल्यूम की हम लोग फॉर्मूलास पुट कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखो 4/3 पाई क्या है कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगी, और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3r2, तो हमारी देखो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगी आएगा 4πr2। आर के वैल्यू भी हम लोग को पता है 5 सेंटीमीटर बैठाना है यानी हो जाएगा हम लोग का 25 यानी 100 पाई। इसका यूनिट क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या है वॉल्यूम है यानी पर सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे क्या है रेडियस यानी पर सेंटीमीटर ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, भी क्या है हमारा वॉल्यूम है कंफ्यूज मत करना, ये क्या है हमारी वॉल्यूम ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ठीक है, किसका स्फीयर का, स्फीयर यानी हमारी बलून हो सकती है कोई फुटबॉल बॉल हो सकता है इस टाइप से ठीक है। तो एक्चुअली में जब भी बॉल का साइज मान लो हवा भर रहे होगे इसमें तो साइज बढ़ेगा, हवा निकाल दोगे साइज घटेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछी जाती है ठीक है, कि बलून घट रहा होगा चाहे बढ़ रहा होगा किस रेट से किस रिस्पेक्ट में काम करना है, यानी सिर्फ डेरिवेटिव निकाल देना और कुछ सोचना नहीं है, और जिस कंडीशन पे पूछेगा यानी जो वैल्यूज दी रहेगी उसको क्या करोगे बैठा दोगे। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन।
अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम लोग को अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। तो जो हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो साइड है किसी भी स्क्वायर का कोई साइड है, ठीक है, कोई भी स्क्वायर है उसकी ये साइड दी हुई है। अब ये जो साइड है इसका इंक्रीजिंग रेट, इसका इंक्रीजिंग रेट मतलब ये जो साइड है इस साइड को तुम लोग ए मान लो, ठीक है। अब साइड दे दिया, क्या बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड दी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एज रेट ऑफ इंक्रीजिंग है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एज इंक्रीजिंग है, ठीक है। क्वेश्चन में जो बता रहे पहले वो बता दे रहे हैं, ये क्या हमारी इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीज कर रही है एज, किस स्पीड से रेंज कर रही है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो दी हुई है हमारी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इससे हम लोग एक चीज समझ सकते हैं, देखो हम लोग का एज यानी हमारी क्या हो रही है, साइड बढ़ रहा है, एज यानी क्या हो रहा है, साइड यानी ए हमारी इंक्रीज कर रही है, यहां तक ले रहा है। तो जब भी इंक्रीज वैल्यू बोलेगा रखना, जब भी नोट कर लोगे, जब भी हम लोग को कहा जाए कि इंक्रीज कर रही है, जब भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो हमेशा प्लस साइन दे दोगे, ठीक है। और जब भी बोलेगा कि डिक्रीज कर रही है कोई भी रेट, ठीक है, उसके जगह माइनस साइन पुट कर दोगे, ये थोड़ा सा नोट कर लोगे इस बात को, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एज दिया हुआ है, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है, ये फाइंड करना है। अब बोलोगे सर यहां तो सिर्फ लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, ये तो नहीं दी हुई है। तो जब भी बात यहां समझना, जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया लिख दिया, चाहे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम लिख दिया, ठीक है, और तो तुम लोग समझ लेना कि यह टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। जब नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, तब जब क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा कि कैसे, खड़ी लिख देगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया अगर खड़ी लिख देगा, इसका मतलब है कि एरिया का चेंज बताना है हम लोग को, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जब ये चीज सेंटेंस में टाइम के बारे में नहीं दी होगी, तब अब बोलोगे आपको कैसे पता कि टाइम कैसे आया, तो आप लोग को ये समझना है, ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, कि क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो साइड की स्पीड है, जो साइड चेंज हो रही है, वो क्या चेंज हो रही है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चेंज हो रही है, यानी यहाँ पे टाइम रिलेटेड कोई वर्ड आ रही है, ये सेकेंड है हमारी, एस क्या है, सेकेंड है, यानी हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में ही बात की जा रही है, ठीक है। तो सिंपल हम लोग का सिंपल ये दिया हुआ, ठीक है। अब ये इंक्रीजिंग है, समझो किसका चेंज हो रहा है, एज चेंज हो रहा है, साइड मतलब साइड चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो रहा है, साइड चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। हम लोग को पता कैसे चला, यूनिट देख के, यूनिट में क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर, यानी ये साइड हो गया और ये हमारी क्या हो गया, टाइम हो गया, तो साइड हो गया, ये टाइम हो गया, तो साइड के लिए ए मान लिया, टाइम के लिए क्या मान लिया, टी। तो हम लोग क्या करना है, तो ये डी ए बाई डी टी, देखो इंक्रीजिंग वैल्यू है, तो यानी हम लोग क्या मानेंगे, इसको प्लस 3 मानेंगे, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब हम लोग को पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी हम लोग को पूछ रहा है सिंपल रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी डेरिवेटिव ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे फिगर की बात हो रही है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, यानी क्या कहेंगे हम लोग, ए स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर हम लोग पढ़े हैं कि ए स्क्वायर का डेरिवेटिव होने के लिए नीचे भी क्या चाहिए, ए चाहिए, तो हम लोग चेन रूल अप्लाई कर देंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या लिखोगे तुम लोग, 2a, और dA by dt का वैल्यू हम लोग क्या दिया हुआ, प्लस 3, तो सिंपल कितना आ गया हम लोग का, 6a। अब देखो सिंपल है, हम लोग को जब जो हम लोग को रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू है ये कितना आया, 6a, ठीक है। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन में गिवन है, हम लिखना भूल गए कि r a की जो वैल्यू देगी, ठीक है, वो दी हुई है 2 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू दी हुई है 2 सेंटीमीटर पे, हम लोग क्या निकाला, डेरिवेटिव निकालना है।
तो सिंपल ए की जगह क्या बैठा देंगे हम लोग, टू बैठा देंगे। कितना आ जाएगा हम लोग का 12। अब इसका यूनिट कैसे लिखेंगे, एरिया यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, टी यानी सेकेंड, तो लिखेंगे इसको सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग डेरिवेटिव ऑफ ए यानी एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एक और क्वेश्चन, इसको इरेज कर दे रहे हैं, देख लो एकदम, तो पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी उम्मीद है। ठीक है, आप लोग भी जो जब लेक्चर देख लेते हो उसके बाद क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किया करो, ठीक है, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और बता ही दिए थे किस बुक से प्रैक्टिस करना आप लोग को, ओनली एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर फॉर बोर्ड्स एंड फॉर कॉम्पिटिशन्स आप लोग बहुत सारे बुक्स प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, बट मेनली जब कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा तो एनसीईआरटी मस्ट है और एग्जाम्पलर का बुक भी मस्ट है। ठीक है, ये बात नहीं भूलोगे, बिल्कुल के बिल्कुल नहीं भूलोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, लेंथ ऑफ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी सिंपल क्या हम लोग का देखो क्वेश्चन है कि जो लेंथ है वो डिक्रीज कर रहा है, लिख दे रहा हूं, ठीक है, लेंथ डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इसका जो रेट है हमारी दी हुई है लेंथ एक्स मानेगी। ठीक है, लेंथ किसको माने, एक्स को, तो एक्स लेंथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है, इसका रेट जो दिया हुआ है हम लोग का, ठीक है, डिक्रीजिंग रेट है क्या है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, 5 सेंटीमीटर पर मिनट दी है। उसी तरह y भी है, y यानी हम लोग का ब्रेथ है। ठीक है, तो ब्रेथ क्या कर रहा है, हम लोग का इंक्रीज कर रहा होना चाहिए, एकदम इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है किस स्पीड से, 4 सेंटीमीटर पर मिनट के स्पीड से। ठीक है, तो लेंथ हो गया हम लोग का, लेंथ क्या कर रही है, लेंथ डिक्रीज कर रही है और ब्रेथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ है हमको, कुछ कंडीशन दे दी है, कंडीशन दे दी है कि x की वैल्यू क्या लेनी है हम लोग को, 8 और y लेनी है 6, x 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ये चीज, ये नोट रहेगा हम लोग का, इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है हम लोग। फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। देखो अब सिंपल क्या फाइंड करनी है, पहली फाइंड करनी है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो रेट मतलब अभी क्या बताया, डेरिवेटिव, तो तुम लोग क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ क्या, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरा फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरिमीटर, यानी क्या फाइंड करना है, डीपी बाई डीटी। कैसे पकड़े, इसमें क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। अभी बात समझ में आया, अभी समझाए थे कि जब भी ना लिखा रहे कि विद रिस्पेक्ट टू कौन होगा, तो मतलब क्या है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में काम कर रहा है। यहां भी यही लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, डेट मींस हमको पता है कि किसके रिस्पेक्ट में होगा, सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, अगर ये लिख देता विद रिस्पेक्ट टू लेंथ या विद रिस्पेक्ट टू ब्रेथ, तब हम लोग कुछ मानते हैं, बट कुछ नहीं दिया यानी हम लोग टाइम मानेंगे। और टाइम ढूंढने का एक और तरीका होगा, देखना क्वेश्चन में भी टाइम का डिस्कस किया गया होगा। ठीक है, अब हम लोग को ये दो चीज फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो सिंपल क्या दिया हुआ है, जब हम बताए थे जब लेंथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो लेंथ डिक्रीज कर रही है यानी dx by dt, लेंथ है ना, लेंथ क्या, x किसके रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा है ना, क्योंकि देखो यहाँ क्या दिया हुआ, सेंटीमीटर पर मिनट, यानी ऊपर हो गया लेंथ हमारा, नीचे क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है। अब बात यह समझो उसी तरह से कि ब्रेथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और जब इंक्रीज कर रही है डेट मींस हम लोग किस रेट से इंक्रीज कर रही है, 4 के, तो हम लोग मान लेते हैं कि डीवाई बाई डीटी क्या है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट है। अब थोड़ा एक बात अभी बोले, ध्यान रखना कि साइन भी देखना है हम लोग, यहां डिक्रीज कर रहा है तो माइनस साइन, इंक्रीज कर रहा है तो प्लस साइन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, अब पहले इस पॉइंट पे बनाते हैं इसको। अब हम लोग एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, इसमें कोई दोहराई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का लेंथ क्या है, एक्स है, ब्रेथ क्या है, वाई है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्स इंटू वाई, एल इंटू बी की जगह। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, तो जब दो अलग अलग फंक्शन होता है तो डेरिवेटिव क्या करते हैं, एक लेते हैं एक छोड़ते हैं, एक लेते हैं एक छोड़ते हैं। अब क्या करेंगे, एक्स को ले लेंगे,
और y को छोड़ देंगे, सॉरी हम लोग क्या किए इसमें, x को छोड़ दिए y को ले लिए, प्लस y को छोड़ दिए x को ले लिए डेरिवेटिव करने के लिए। अब देखो dy बाय dt का वैल्यू और dx बाय dt का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, x इंटू dy बाय dt का वैल्यू क्या कर दोगे, 4 बैठा दोगे प्लस 4, और y तो y हो गया हम लोग का, और dx बाय dt, dx बाय dt की वैल्यू क्या दी हुई है, माइनस 5। तो हम लोग का सिंपल क्या निकला, 4x माइनस 5। अब देखो हम लोग को बोल दिया है कि जो हम लोग का रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालेंगे उसी कंडीशन की वैल्यू क्या लेंगे, x 8 लेंगे और y कितना लेंगे 6, तो x की जगह 8 बैठा दो और y की जगह 6, तो 8 4 जा 32 एंड 6 5 जा 30 कितना आ गया हम लोग का, 2 सेंटीमीटर। देखो ऊपर क्या है, एरिया है यानी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और नीचे क्या है, टाइम यानी यूनिट क्या होगा, सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग को बात करनी है पेरीमीटर की, पेरीमीटर देखो अब उसी तक करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b, दैट मीन्स हम लोग जानते हैं ये चीज, हम लोग सिंपल लिखेंगे 2x + y, देखो 2 बाहर आ जाएगा तो, और ये जो डेरिवेटिव है दोनों पास चला जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से आएगा 2dx / dt प्लस 2dy / dt। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये डी बाई डी टी क्या होगा, दोनों के पास चला जाएगा। अब कुछ देखो ये 2 है, अब देखो कंडीशन है हमारी कि जो dx by dt हमारी जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, dx by dt का वैल्यू कितना दिया हुआ, -5, और dy by dt का वैल्यू कितना दिया हुआ, 4, यानी कितना दिया, -10 + 8 यानी -2 cm/s, ये इसका यूनिट। मतलब देखो यहाँ एरिया में क्या आ गया, प्लस साइन, और पेरीमीटर में क्या निकला, माइनस साइन। दैट मीन्स एरिया क्या करेगी, इंक्रीज कर रही है, एरिया क्या कर रही है, इंक्रीज कर रहा है, और जो हमारा पेरीमीटर है वो क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। तो साइन सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज को डिस्कस करता है, ठीक है, और इसका कोई काम नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो सबसे पहले बात करते हैं ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन सिंपल है हम लोग का कि एक दीवाल है, दीवाल है, ये दीवाल है, दीवाल है, दीवार के लिए कोई बोला नहीं, ये किए महान व्यक्ति बना रहे हैं, ठीक है। कमेंट नहीं करेगा इसके लिए थोड़ा सा सॉरी कर देना, ठीक है। तो ये हम लोग का कुछ दीवार है, अरे टूट गया दीवार, तो दीवार थोड़ा बन गया। अब ये जो दीवार है थोड़ा सा कलर कर देते हैं, डिजाइनिंग दीवार लगेगा। देखो ये जो वॉल है, ये क्या हमारी एक वॉल है। अब क्या कर रहा है, इसमें सीढ़ी रखा गया है, सीढ़ी यानी लैडर रखी गई, लैडर लैडर सीढ़ी सीढ़ी सीढ़ी, अरे एक और मूवी नहीं है उसमें भी सीढ़ी है ना, जिसमें एक्टर जाता है अपने हीरोइन से मिलने के लिए सीढ़ी लगा करके, ठीक है, वैसी वाली सीढ़ी है। ठीक है, ये जो सीढ़ी का लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि मान लो एक होगा, मान लो वहां से वॉचमैन आ गया, अब ये एक्टर क्या है, अपने आपका हीरो हीरोइन से मिलने आया था, ये हमारा क्या है वॉचमैन, ये क्या है हमारा वॉचमैन। वॉचमैन देख लिया कि सीढ़ी पे कोई लड़का चढ़ रहा है, ठीक है, चढ़ रहा है, यहाँ पे खिड़की है, ठीक है, यहाँ पे खड़ी है हीरोइन, अब ये मिलने जा रहा है, और सीढ़ी की आई सेंटीमीटर क्या है, 5 सेंटीमीटर, अरे ये तो बहुत अन्याय हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का सीढ़ी तो होता ही नहीं है, हम लोग मीटर ले लो मीटर ले लो, सेंटीमीटर सीढ़ी कितना सा होगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर ले लो, क्वेश्चन मीटर, ठीक है। तो 5 मीटर की क्या होगी सीढ़ी है, 5 मीटर लंबा सीढ़ी है, इसको वॉल पे चढ़ना है, ठीक है, वॉचमैन देख लेता है वहां पे और सीढ़ी बजाते हुए आता है। अब वो क्या करता है, वॉचमैन यहाँ पर आने के बाद इसी वो सीढ़ी को इधर खींचने लगता है, किस तरफ, इस तरफ, ठीक है, वो सीढ़ी को क्या करता है, इस तरफ से खींचता है। अब सोचो थोड़ा,
जब सीढ़ी 5 मीटर लंबा है, वॉचमैन क्या कर रहा है, इस सीढ़ी को इस तरफ खींच रहा है, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला सीढ़ी क्या करेगा, नीचे तरफ घसकेगा। ये जो सीढ़ी है ठीक है, इसको रिमोट मिटा देते हैं समझ लेते हैं, ठीक है समझ। जब हम सीढ़ी को क्या करेंगे, जब हम सीढ़ी को इधर खींचेगा वॉचमैन ठीक है, तो ये जो सीढ़ी है कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ आते जाएगा ठीक है। तो ये जो सीढ़ी का जो हाइट है वो क्या होगा, ये हाइट मान लो, इसको क्या मान लो, बेस मान लो। अब जब हम लोग इस बेस को क्या कर रहे हैं, खींच रहे इधर, तो बेस को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो हाइट क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है। अब समझो सिंपल कि हम लोग का जो बेस है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग इस सीढ़ी को खींचेंगे, ये जो लेंथ क्या होगा, बढ़ते जाएगा, जितना जितना वॉचमैन क्या करेगा, खींचेगा, क्या होगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन ये जो हाइट है वो क्या करेगी, डिक्रीज होती जाएगी ना। ये सीढ़ी पहले यहाँ आया, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। तो एच जो है हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्वेश्चन को पहले समझो ठीक है। अब हम लोग इसमें पूछा क्या है कि हमको बताइए कि हाइट जो है किस स्पीड से डिक्रीज करेगा, ये हम लोग को पूछा है, रेट ऑफ हाइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ठीक है। ये जो वॉचमैन है, ये जो सीढ़ी को 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से खींच रहा है, किस स्पीड से खींच रहा है, 2 मीटर पर सेकंड किस स्पीड से खींच रहा है ठीक है। हम लोग को क्या बोला कि हाइट किस स्पीड से डिक्रीज करेगा ठीक है। एक्चुअली में डिक्रीज क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, हम लोग को पता करना है कि डिक्रीज क्या इंक्रीज किया ठीक है। तो समझ में आया कि ये सीढ़ी का हाइट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो यहां तक क्लियर है। हम लोग को साथ में कंडीशन दे दिया है, जो बी का वैल्यू लेना है हम लोग को, वो 4 सेंटीमीटर जब ब्रेथ होगा हम लोग का 4 मीटर, तो हम लोग को पूछ रहा है कि हाइट कितना होगा। जब ब्रेथ होगा 4 मीटर तो हाइट हमारा कितना होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। अब हम लोग को थोड़ी सी एक नोट याद रखनी है हम लोग को। मान लो ये ट्रायंगल है हमारी, सीढ़ी है, तो ट्रायंगल मान रहा है सीढ़ी, हम लोग को क्या बोल दिया, ये जो ब्रेथ होगा वो कितना होगा, 4 मीटर। सीढ़ी की हाइट बदलेगी क्या, वॉचमैन सीढ़ी जब छीन रहा था तो क्या तोड़ दिया था सीढ़ी, नहीं, वॉचमैन सिर्फ सीढ़ी को खींच रहा था, यानी ये हम लोग का सिंपल क्या हो जाएगा, 5 मीटर। और ये हम लोग का कितना निकलेगा, अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो क्या निकलेगा हम लोग का, ये निकलेगा हम लोग का 3 मीटर। मतलब हम लोग समझ गए कि अगर बी का वैल्यू 4 आएगा, एच का वैल्यू कितना निकलेगा, इतना तुम निकाल के दिखा दो। अब हम लोग को पता है, देखो अब सिंपल यहां देखो, ये हो गया एच हाइट, ये बी, इसको क्या बोलोगे, इसको मान लो लेंथ ऑफ लैडर एल ठीक है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यहां पे अगर लगाएं तो हम लोग कैसा बोलेंगे, कि एल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बोलोगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एल यानी कितनी हम लोग को, लेंथ तो बदलेगा नहीं, लेंथ कहीं बदलेगा नहीं बदलेगा, तो ये क्या कहलाएगा, 5 का स्क्वायर। b कितना होगा हम लोग का, b स्क्वायर रहने दो इसको, ये हो जाएगा h स्क्वायर। तो ये कितना निकला हम लोग का, 25 इक्वल टू b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल समझो, अब हम लोग को यहां देखना है डेरिवेटिव क्या निकालना। देखो यहाँ रेट दी हुई ना कि वॉचमैन जो सीढ़ी को खींच कितना स्पीड से रहा था, 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। अब मतलब क्या दिया हुआ है कि बी चेंज हो रहा है, तो बी जो चेंज हो रहा है ठीक है, वो किस स्पीड से हो रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से हो रहा है, सॉरी फिर अरे यार सेंटीमीटर पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, ये क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से क्या कर रहा है, वॉचमैन इस चीज को खींच रहा है ठीक है। जब खींचने लगा तो अब जब खींच रहा है तो ये जो बेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी साइन क्या देंगे हम लोग, प्लस ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो डीवी बाई डी टी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, ये सब कुछ दिया हुआ है, हमको डीएच बाई डी टी निकालना है। ये कहानी तो पूरा हम लोग को समझ में आ गया। अब जब कहानी समझ में आ गया तो सिंपल क्या करेंगे, दोनों तो डेरिवेटिव कर देंगे, क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। एडिशन में है तो दोनों पर चला जाएगा, कोई तकलीफ नहीं ठीक है। तो सिंपल डेरिवेटिव ऑफ 25 क्या होगा, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव
जीरो, बी स्क्वायर का 2b, अकॉर्डिंग टू चेन रूल db बाई डी टी, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, पहले बी स्क्वायर का कर दिया तो 2b हो गया, अब b का तो t के रिस्पेक्ट में होगा नहीं तो db बाई डी टी लिख देंगे, प्लस एच स्क्वायर का 2h और इसका क्या हो जाएगा dh बाई डी टी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम लोग को dh बाई डी टी निकालना है, बाकी सब वैल्यू हम लोग को दे चुका है, बाकी सब वैल्यू हम लोग को दे चुका है, टू देखो टू एक काम करो टू सबको डिवाइड कर दो तो हम लोग को बचेगा b db by dt plus h dh by dt, b का वैल्यू कितना लेने बोला हम लोग को 4, h कितना लेने बोला 3, तो b की जगह ले लो 4, h की जगह ले लो 3, d by dh कितना लेना है प्लस 2, dh by dt के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ। अब देखो ये 4 2 जाए 8 हो जाएगा, इसको दलिता माइनस 8 हो जाएगा, ये देखो 3 नीचे आ जाएगा, dh / dt ये इसका रेट होगा, यानी इसका जो वैल्यू निकला वो कैसे लिख दोगे, थोड़ा सा मिस फ्रैक्शन लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस 2/3 ऐसा लिख दो, ठीक है, तो सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे ये अब यूनिट लिखना है, तो हाइट है यानी मीटर में और टाइम है यानी सेकंड में, तो ये हमारा ये आंसर हो गया कि हाइट इस स्पीड से घटेगा, मतलब अगर वॉचमैन 2 मीटर से स्पीड से खींचेगा तो ये जो सीढ़ी है मतलब ये जो लड़का है वो हीरोइन से कितना स्पीड से दूर जाएगा, वो जाएगा माइनस 2/2/3 से, यानी 2/2/3 स्पीड से जाएगा, मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या जाएगा वो दूर हटते जाएगा, ठीक है, तो फिर ये 10 हो जाएगा और इसको उसके बाद वॉचमैन पकड़ के इसको मारेगा बढ़िया से, ठीक है। तो हमने उसके बाद देखो अब आते हैं थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन जो समझा दे रहे हैं, एक कभी कभार देता है देखो मार्जिनल कॉस्ट के लिए, ठीक है, देता है मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए, सॉरी नोट कर लो, इसका क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट, जब भी मार्जिनल कॉस्ट देगा निकालने, ठीक है, तुम ये ध्यान रखोगे कि तुमको जो मार्जिनल कॉस्ट दिया है वो सिर्फ रेवेन्यू पे बात करेगा, ठीक है, हमारी कोई भी रेवेन्यू बता देगा तुमको, रेवेन्यू का फंक्शन दे देगा, फंक्शन ऑफ एक्स दे देगा, उसका मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए कहेगा, तो जब भी मार्जिनल कॉस्ट निकालोगे, ठीक है, तो रेवेन्यू का क्या करोगे डिफरेंशिएशन निकाल दोगे, क्या करोगे डिफरेंशिएशन निकाल दोगे, क्वेश्चन करा देते हैं इस पे ना ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, तो जो हमारी रेवेन्यू है वो कुछ इस टाइप से फंक्शन दी हुई है 13x² + 20x + 50, ये जो रेवेन्यू है हम लोग का दिया हुआ है 13x² + 26x + 15, हम लोग को मार्जिनल कॉस्ट निकालना है किस कंडीशन पे, जब जो इसकी वैल्यू है एक्स की वो है 4 रुपीज, ठीक है, रुपीज 4 हो सकता है, 400 होता है या कुछ भी ले सकता है, ठीक है। अब हमको रेवेन्यू से क्या निकालना है मार्जिनल कॉस्ट, तो क्या करेंगे इसका डिराइव कर देंगे, मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट यानी इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है, ये क्या है डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू करना, डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 26x, ये आ जाएगा 26, अब x की वैल्यू बोल दिया 4 लेने, तो एक्स क्या ले लोगे 4, इतना तो समझदार हो इतना तुम लोग कर लोगे, ठीक है, तो हम लोग का यहाँ मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के लिए और सारे क्वेश्चन है कर सकते हो, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बता दिया इसके बाद तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिविजन के लिए ये एक नंबर वीडियो बनने वाला बन रहा है, ठीक है, याद रखना। तो आज अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वो क्या है उसके लिए पहले स्क्रीनशॉट ले लो, तो नेक्स्ट है हम लोग का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फंक्शंस की ग्राफ तो समझ में आती है, तो बात समझो कि हमारी मान लो कुछ ग्राफ ऐसी बनी हुई है, ठीक है, मान लो एक ऐसी ग्राफ, ठीक है, मान लो एक ऐसी ग्राफ,
मान लो कुछ 81 ग्राम, ये चौथा ग्राफ। अब इंक्रीजिंग डिग्री समझो, ये ग्राफ क्या हो रही है, ये डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे ये एक्स क्या, ये एक्स हुआ हमारे, ये हमारी वाई हुई यानी फंक्शन ऑफ एक्स हुई, मतलब कोई दिक्कत है, ये भी हमारी एक्स होगी, ये फंक्शन ऑफ एक्स हुई, ये हमारी एक्स लाइन हुई, ये हमारी एफ एक्स हुई, ये हमारी एक्स हुई, ये हमारी एफ एक्स हुई। अब समझो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, ये पॉइंट्स है हमारी, मान लो कोई भी पॉइंट्स है हमारी, ऐसे समझो, एक समझ लेते हैं, दो पॉइंट समझ में आएगा, मान लो ए पॉइंट, ए पॉइंट का देखो और ये बी पॉइंट, जब ए पॉइंट का हम लोग एक्स देखते हैं और बी पॉइंट का एक्स देखते हैं, तो यहां से यहां में देखो एक्स बढ़ रहा है, और ठीक है एक्स क्या हो रही, बढ़ रही है, लेकिन ए से बी जब आ रहे हैं तो वाई क्या हो रही, घट रही है, एक्स बढ़ रहा है और वाई क्या हो रहा है, घट रहा है, तो एक्स कट बढ़ रहा है, वाई घट रहा है, यानी एक्स की वैल्यू क्या इंक्रीज कर रही है और वाई की वैल्यू क्या करे, डिक्रीज कर रही है, तो मतलब एक्स तो हमेशा इंक्रीज करेगा, एक्स हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, y अगर इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस अगर x की वैल्यू पे y भी बढ़ रही है, x की वैल्यू पे y भी बढ़ रही है, दैट मींस हम लोग इसको कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर हमारी x क्या होगी, बढ़ रही है, x की वैल्यू से हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, पुट करते जा रहे हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा नंबर्स लेते जा रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि y की वैल्यूज क्या हो रही, डिक्रीज कर रही है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो यहाँ पर हमारी x तो बढ़ रही है, बट ये जो y है क्या हो रहा है, ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, यदि y घट रहा है, तो y घट रहा है यानी इसको कौन सा फंक्शन बोलेंगे हम लोग, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, किसका एग्जांपल हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन का, ठीक है। इस केस में देखो जब x बढ़ा रहे हैं, पॉइंट बढ़ रहा है, x की डिस्टेंस ये वाली बढ़ रही है, पॉइंट x बढ़ रहा है, जैसे हम लोग कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ से चल रहे हैं, x बढ़ते जा रहा है, तो क्या देख रहे हैं, वाई भी बढ़ रहा है, इस तरह से वाई भी बढ़ रहा है, y बढ़ रही है, इस तरह से y की लेंथ बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, यानी हम लोग का ये कौन सा फंक्शन है, ये हम लोग का इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, कौन सा फंक्शन हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये भी ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये ग्राफ क्या बढ़ रहा है, देखो नीचे की तरफ आ रहा है, घट रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एक वर्ड आता है, स्ट्रिक्टली, तो जब भी स्ट्रिक्टली बोलता है यानी क्या, खाली इंक्रीज करेगा, ना टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं, खाली क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख दिया तो खाली बढ़ेगा, स्टेडी डिक्रीज लिख देगा खाली घटेगा। इस ग्राफ में देखो कि पहले कुछ देर तक बढ़ा, फिर थोड़ा सा कम स्पीड घटा उसको, अगर मान लो स्पीड से बढ़ता तो ये ऐसा ग्राफ बनता, लेकिन ये क्या किया, कुछ देर तक क्या हो गया, इसका स्पीड कम हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सॉरी नॉन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी इंक्रीजिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बात तो सर आपने बोला, तो क्या ये स्ट्रिक्टली होगा या नहीं होगा, नहीं, इसे स्ट्रिक्टली नहीं कहेंगे, स्ट्रिक्टली कहना है तो हम लोग इसे कहेंगे स्ट्रिक्टली, इसे कह सकते हैं स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि देखो ये खाली इंक्रीज करता जा रहा है, कहीं से भी बेंडिंग वाला काम नहीं हो रहा है, कहीं से भी मुड़ तोड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इस टाइप का ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, और थोड़ा सा ऐसे हो गया तो स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये बात ध्यान रखना, आगे बात थोड़ा सा, ठीक है। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से क्वेश्चन आएगा सर, बिल्कुल इस पे कंफ्यूज नहीं करेगा तुम लोगों को, एग्जाम इस पे कंफ्यूज नहीं करेगा, स्ट्रिक्टली और इनस्ट्रिक्टली पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तुमको, इंटरवल या पूछेगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो सर दोनों को में डिफर क्या है, हम लोग कैसे पहचानेंगे, अगर प्रूफ करोगे तो दोनों में दो कंडीशन याद रखोगे, पहली अगर तुम्हारे पास मान लो x1 है और x2 दो वैल्यूज है, ठीक है,
अगर x2 x1 से बड़ा है, ऐसा लिखो, छोड़ो x1 x2 दो वैल्यूज है ले रहे हैं हम लोग, अगर x2 x1 से बड़ा है, अगर x2 x1 से बड़ा है, देखो मतलब हम लोग इस ग्राफ से चलते हैं, ठीक है, x2 मान लो ये हो गया x2, मतलब ये हो गया x1, तो x2 तो बड़ा हुआ x1 से, लेकिन इस केस में देखो जब x2 ले रहे हैं तो इसका ये क्या कहलाएगा y2, y2 और इसको क्या कहेंगे y1, तो देखो जब x2 क्या है x1 से बड़ा है लेकिन y1 क्या है y2 से बड़ा है, दैट मींस इसमें क्या आ रहा है y1 क्या है y2 से बड़ा है, जब ऐसा केस हो जाए कि मतलब x अगर y से x x मतलब एक x दूसरे x से बड़ा है लेकिन एक उसी का y दूसरे y से छोटा है, उल्टा मतलब ये किस टाइप से दिख रहा है कि हम लोग का जो x1 है वो x2 से छोटा लेकिन y1 क्या है y2 से बड़ा, तो जब भी ऐसा केस आएगा तो इस उल्टा वाला जो केस आएगा मतलब एक लेस देन और ग्रेटर देन वाला केस आएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि x2 अगर वैल्यू ले रहे हैं कुछ x1 से बड़ा, जैसे इस केस में देखो हमारी x2 हुई ये x1 है, x2 जब ली है तो देखो ये y2 होगा और ये हम लोग का y, ये y2 होगा ये y1 होगा, ठीक है, तो x2 देखो हम लोग का x1 से बड़ा है, उसी तरह y2 भी क्या है y1 से बड़ा है, तो जब ऐसा केस आएगा तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग बोलेंगे। लेकिन यही चीज अगर हम लोग ऐसा हो x1 x2 से छोटा यानी x2 x1 से बड़ा जो बोलना है, साथ में y1 y2 से बड़ा उल्टा, अभी उल्टा चल रहा है, ठीक है, तो लेकिन साथ में यहाँ इक्वल टू साइन आ जाए, क्या आ जाए साथ में इक्वल टू साइन आ जाए, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। मान लो इसी तरह से अगर हम लोग को सिंपल दे दे कि अगर हम लोग क्या कर दें, अब यही काम इसके लिए लिखे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे x1 x2 से छोटा और साथ में y1 y2 से छोटा या बराबर, इस केस को क्या बोलेंगे हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फंक्शन का, ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, बताना है कि जो fx है दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, fx क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, कंडीशन है जो x है वो रियल नंबर है, बताना है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, तो क्या करोगे सिंपल पहले डेरिवेटिव निकाल दोगे, डेरिवेटिव निकालोगे तो x क्यूब क्या होगा 3x स्क्वायर, एकदम सर 3 2 जा 6x सर बिल्कुल प्लस 4, वाओ, ठीक है। अब हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि x 0 से बड़ा है कि x 0 से छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा खुराफाती वाला काम करेंगे, क्या करेंगे इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, यानी फॉर्मूला पे तोड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर दी हुई है, बिल्कुल सर दी हुई है बाबू लोग, यहाँ पे 6x दी हुई है, बिल्कुल सर दी हुई है, इस दोनों में पहले 3 बार निकाल ले, बोला सर निकाल लिए, निकाला एकदम सर, बचेगा क्या अंदर बता सर 2x बचेगा सर, यहाँ तो कोई तकलीफ सर, बिल्कुल नहीं सर। अब देख अंदर एक फॉर्मूला बन पा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये एक फॉर्मूला होता है, कैसे पता चला सर ये फॉर्मूला होगा, तो देखो जब भी हम लोग को होल स्क्वायर बनाना होगा, जब भी हम लोग को होल स्क्वायर बनाना होगा और एक्स स्क्वायर दिखे तो कोशिश करना कि ये एक्स स्क्वायर तुमको दिख गया, अब यहाँ तुझे जो भी एक्स का फंक्शन दिख रहा है उसको इस जैसा बनाने की कोशिश करना, तो टू अपने से ले लेंगे पहले, टू अगर दिख रहा है तो ठीक, नहीं तो टू हमको चाहिए, तो टू हमको दिख रहा है, एक्स दिख रही है सर तो a दिख रहा है, तो इस टाइप से बन रहा है देखो a स्क्वायर ये 2a, अब हम लोग का b क्या हो सकता है 1, कुछ नहीं है तो 1 होगा नंबर उसके पास, तो जब b है तो उसके लिए हम लोग को b स्क्वायर भी चाहिए यानी 1 का स्क्वायर चाहिए, तो जब 1 का स्क्वायर तुम मैथ बोलता है कि अगर तू कुछ जोड़ रहा है तो कुछ घटाएगा भी, तो 1 का स्क्वायर भी घटाना पड़ेगा हम लोग को, दैट मींस अगर हम लोग यहां 1 जोड़ रहे हैं तो दैट मींस 1 को क्या करना पड़ेगा घटाना भी पड़ेगा,
ये तो हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा, प्लस फोर बाहर में है तो ये हम लोग का बन जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस फोर। देखो ये थ्री दोनों के पास चला जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ये थ्री वन जा थ्री हो जाएगा माइनस थ्री और यहाँ प्लस फोर है तो ये हो जाएगा प्लस वन। अब समझो, अब यार थोड़ा सा ध्यान देना, ये वाला जो वैल्यू है ये जीरो हो भी सकता है या तो जीरो से बड़ा होगा, ये इसमें कोई दिक्कत है क्योंकि अगर वो स्क्वायर है, अगर वो स्क्वायर है मान लो एक्स की जगह तू वन बैठाता है तो वन माइनस वन जीरो, यानी ये तो जीरो कर देगा, या तो अगर कोई भी तू नंबर बैठाएगा तो स्क्वायर क्या करेगा उसको पॉजिटिव कर देगा, यानी ये जो वैल्यू देगी ये जो वैल्यू होगी या तो ये तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। मान लो ये जीरो हो गया तो ये वैल्यू क्या दे बचा, हम लोग का वन बचा, तो मतलब अगर हम कोई भी वैल्यू देखे अगर जीरो इसको बैठा दोगे तो मिलेगा क्या हमको, वन मिलेगा, ये जीरो हो सकता है, ये तो जीरो नहीं ना होगा, वन तो बच ही जाएगा, लेकिन अगर कुछ और बैठा टू बैठा दिया तुमने तो टू माइनस वन क्या हो जाएगा वन, वन का होल स्क्वायर यानी वन, तो थ्री पंचा थ्री हो जाएगा, प्लस वन कितना हो गया फोर, यानी फिर भी क्या आ रही है हम लोग की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स तू कुछ भी बैठा एक्स की वैल्यू वो क्या कहलाएगी पॉजिटिव कहलाएगी, मतलब जो हम लोग की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी जीरो से बड़ी आएगी। तो जब वैल्यू हमारी क्या आएगी जीरो से बड़ी आएगी इसकी वैल्यू एफ डैश एक्स, ठीक है, जब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है जीरो से बड़ी आ रही है दैट मीन्स ये कौन सी फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट ले लो। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू सेवन एक्स प्लस थ्री, बताना हमको ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तो कंडीशन वही बताए क्या करेंगे कि अगर हम लोग मान लेते हैं लेट एक्स वन एंड एक्स टू दो वैल्यूज मान लेंगे, तो एक्स वन के लिए हमारा निकलेगा एफ एक्स वन और एक्स टू के लिए क्या निकलेगा हम लोग का x2, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग क्या लिख चलते हैं कि x2 क्या x1 से बड़ा है, ऐसा मान के चलते हैं कि fx2 हमारी मतलब ये y है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग y2, इसको बोलेंगे हम लोग y1, तो हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है, if मान के चल रहे हैं, ठीक है, if fx2 क्या है हमारा fx1 से बड़ा, ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो fx2 मतलब क्या बोलेंगे हम लोग 7x2 plus 3, और fx1 के लिए क्या बोलोगे 7x plus 3, देखो दोनों तरफ 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगी हम लोग, तो क्या मिलेगा 7x2 greater than 7x1, देखो 7 7 भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या मिला x2 greater than x1, तो देखो यहाँ पे साइन की जो साइन लेके चले थे वही साइन आया, जो साइन लेके चले थे वही साइन आया, तो डेट क्या बोलोगे इसको, ये इंक्रीजिंग फंक्शन, कौन सी फंक्शन, इंक्रीजिंग, तो इस टाइप से चेक करते हैं अगर साइन उल्टा हो गया तो क्या बोलेंगे उसको, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए तीन पॉइंट्स और नोट कर लोगे, ठीक है, मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, सो नोट करो, मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स अगर वो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, ठीक है, मतलब उसका वो ग्राफ कंटिन्यूअस होगा कहीं टूट नहीं रहा है और डिफरेंशिएबल यानी उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो रहा है, डिफरेंशिएबिलिटी भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग ऐसा निकाल दे कि अगर एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा हो जाए, मतलब अगर उसका तुम डेरिवेटिव किया अगर वो जीरो से बड़ा होता है तो उसे हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फंक्शन बोलो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग बोलोगे, ठीक है, अगर यही एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हम लोग का लेस देन जीरो, मतलब अगर तुम उसका डेरिवेटिव किए और क्या आ गया वैल्यू हमारा जीरो से कम आ गया तो उसको बोल देंगे हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या बोल दोगे, डिक्रीजिंग, ठीक है, अगर हमारी एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो तो इसमें बोलोगे तुम लोग कॉन्स्टेंट फंक्शन।
अब पता ही है कि डेरिवेटिव अगर जीरो है तो जरूर वो कांस्टेंट नंबर ही होगा, है ना। दैट मीन ये तो इसके बारे में तो हम लोग क्लियर है। इसको के लिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मान लो लिखा हुआ e का पावर 2x, ठीक है, ये हमारी क्या एक फंक्शन है, हमको बताना है कि ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं, बोला क्या है कि x हमारी रियल नंबर है, x क्या हमारी रियल नंबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो y डैश निकाल लेंगे, y डैश को ही ना हम लोग f डैश x बोलते हैं, इसमें कोई लड़ाई होना चाहिए। y डैश x को क्या बोलते हैं हम लोग, f डैश x बोलते हैं, और y को ही क्या बोलते हैं हम लोग, fx बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग को पहला डेरिवेटिव निकालोगे तो देखो e का पावर जो भी होता है वो उसका डेरिवेटिव वही आता है, e का डेरिवेटिव, और e का पावर जो होता है वो क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट, r रख देना, तो क्या आ गया 2e का पावर 2x आ गया। अब सोचो x की वैल्यू रियल नंबर, मतलब x की वैल्यू सारी नेगेटिव सारी पॉजिटिव, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। अगर x की वैल्यू जीरो लगे, पहले वो सोचो, अगर हम लोग x की वैल्यू, तीन चीज सोचते हैं इसके बारे में, अगर जब हम लोग x की वैल्यू जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा, e का पावर जीरो यानी वन, किसी का पावर जीरो तो क्या बोलते हैं वन, तो टू वन जा क्या हो जाएगा वन, तो वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी। अगर हम x को नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, अगर x को हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है, वन दिया यानी पॉजिटिव दिया ना, ऐसे देखो वन दिया यानी क्या दे रहा है, एड्रेस एक्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, एक्स बैठा रहे तो एड्रेस एक्स निकाल रहे हैं। अब एक्स को नेगेटिव नंबर लो, मान लो एक्स की जगह हम लोग माइनस टू बैठा देते हैं, तो ये कैसा दिखेगा हम लोग का, टू ई का पावर माइनस फोर, देखो माइनस टू बैठा होगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा माइनस फोर, तो ई का पावर माइनस फोर को क्या बोलोगे, टू बाई ई का पावर फोर। अब ई क्या है जानते हो, टू पॉइंट समथिंग वैल्यू होती है इसकी, तो ये जो 2.4 होती है ये भी तो पॉजिटिव वैल्यू होगी ना, ये क्या एक पॉजिटिव नंबर होता है, ये क्या होता है एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो ये पूरा चीज क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। दैट मींस अगर x नेगेटिव लेंगे तो जो हम लोग का f डैश x क्या होगा, वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसी तरह जब x पॉजिटिव लोगे, x तो पॉजिटिव लिया तो पूरा तो पॉजिटिव रह गया ना, मतलब f डैश x क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। एक चीज समझ लीजिए कि x की कोई भी वैल्यू ले लोगे तुम, एक्स की कोई भी वैल्यू लोगे तो एफ एक्स क्या होगा, यानी ये जो हमारा 2e का पावर 2x ये क्या रहेगा, हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा, सॉरी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या देगा वैल्यू, पॉजिटिव देगा, क्योंकि नेगेटिव बैठाने पे मान लो नेगेटिव तो बैठा भी दिया, लेकिन ई एक क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव की पावर अगर नेगेटिव हो गई तो वो उल्टा हो जाता है, बट वो नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आती है ना। मान लो 2 का पावर माइनस 2 लिखा है तो इसे तो नेगेटिव नहीं ना बोल सकता है, क्योंकि 2 का पावर माइनस 2 यानी क्या बोलेगा, 1 बाई 2 का पावर 2 यानी 1 बाई 4, तो ये फिर भी तो ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी ना। तो e का पावर भले नेगेटिव हो जाए लेकिन ये जो वैल्यू है ये क्या रहेगी, ये जो वैल्यू वो क्या रहेगी, ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। दैट मींस ये जो हमारा फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा हमेशा, एक्स की तुम कोई भी वैल्यू बैठा दे। दैट मींस कि हर कंडीशन पे जो ये हमारा एफ डैश एक्स वो क्या है, जीरो से बड़ा है। जब ये जीरो से बड़ा है हर कंडीशन पे, हम लोग ये चीज समझ लिए, ठीक है, तो डायरेक्ट यहां लिख देंगे कि ये क्या है, जीरो से बड़ा है हर एक्स वैल्यू पे, हर एक एक्स वैल्यू पे ये जीरो से क्या है, बड़ा है। तो हर एक एक्स वैल्यू पे अगर ये जीरो से बड़ा है, डेट मींस ये कौन सा फंक्शन है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन, एक इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग, अब देखो ये क्वेश्चन हो गया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है या नहीं है। मेनली इससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन जानता है क्या रहता है तुम लोग का, इंटरवल निकालने बोल देगा, बोल देगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तू मान ले इसको इंक्रीजिंग है, अब बताएगा कि किस वैल्यू पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। उस टाइप को क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है, उस टाइप का कुछ दो या तीन क्वेश्चन करेंगे एकदम बेसिक से अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन है हम लोग का, एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 3, ये क्वेश्चन है, पूछा है कि इंक्रीजिंग कब होगा डिक्रीजिंग कब होगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल, डिक्रीजिंग इंटरवल्स, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल्स, ठीक है, ये निकालना है। तो जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल निकालने के लिए बोलेगा या इंटरवल निकालने के बोलेगा तो तीन स्टेज याद रखेगा, जो भी फंक्शन देगा उसकी सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेगा, ठीक है, यह नोट करते जाएगा साइड में ये बात,
है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक फंक्शन दी रहेगी, उसके बाद क्या करना है हम लोग को, उसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है। डेरिवेटिव के बाद क्या करनी है, नंबर लाइन काम करना है। उसके बाद हमको पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी समझाएंगे कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को एक्स का जो वैल्यूज है वो मिल जाएगी, कहां से कहां तक ये काम करना है। तो पहले से डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डेरिवेटिव निकालोगे तो देखो टू हो गया, एक्स से डेरिवेटिव क्या लिखोगे, टू एक्स माइनस थ्री, तो क्या निकला हम लोग का, फोर एक्स माइनस थ्री। उसके बाद क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट यानी सिंपल क्रिटिकल पॉइंट निकालना है हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट यानी जब एफ डैश एक्स को जीरो कर दोगे, एफ डैश एक्स को जीरो कर दोगे तो एक्स की क्या क्या वैल्यूज निकलेगी। मान लो फोर एक्स माइनस थ्री को तुमने जीरो किया तो एक्स की वैल्यू क्या निकली, थ्री बाई फोर, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। तो इसी की क्या करनी है, नंबर लाइन बटानी है, क्या करनी है, नंबर लाइन बनानी है। जो भी एक्स निकलेगी उसी के नंबर लाइन बनाना, जो भी एक्स निकलेगी उसी के नंबर लाइन बनाना, तो नंबर लाइन क्या हो जाएगा, थ्री बाई फोर, ठीक है। अब थ्री बाई फोर यानी हम लोग की ये जो वैल्यू है लगभग 0.7 समथिंग आ रही है, ठीक है, ठीक है। अब 0.7 इधर कुछ एक वैल्यू बैठाना है हम लोग को और इधर का कोई वैल्यू लेना है और बताना है कि प्लस या माइनस। देखो अब x 3/4 बोल दिया, ठीक है। अब हम लोग को थोड़ा सा यह गौर करो, ठीक है, जब हम लोग x की वैल्यू 3/4 से कुछ ज्यादा ले रहे हैं, यानी 0.7 है तो हम लोग डायरेक्ट 10 ले रहे हैं, x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं। x की वैल्यू जब हम 10 बैठाएंगे मान लो यहाँ पे, तो कितना मिलेगा, 10 × 4 = 40 - 3, यानी इधर आएगा हम लोग का कोई पॉजिटिव वैल्यू। अगर हम लोग यहीं पे x की जगह इधर ले लेते हैं मान लो -1 इधर लेते हैं, मतलब इधर एक वैल्यू लेना, इधर एक वैल्यू लेना, एक इधर का वैल्यू लेना, एक इधर का वैल्यू लेना, ठीक है। अब पुट करना कहां पर, f'x पर, उसमें सोचना है। अब जब ये f' की जगह बैठाओगे -1 तो कितना मिलेगा, -4 और -3, यानी क्या मिल जाएगी हम लोग को, -7, यानी हम लोग को मिलेगा ये नेगेटिव वैल्यू। That means, अगर हम लोग फंक्शन में इस तरफ बढ़ेंगे तो मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू और इस तरफ क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू। मतलब इधर क्या है फंक्शन हम लोग का, ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग, और इधर क्या कहेंगे हम लोग, डिक्रीजिंग, क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता चला, ये एफ डैश एक्स से कैसे पता चला, f'x इसकी वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर और इसकी वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर। मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, फिर से सुनो, सबसे पहले हमारे पास कोई फंक्शन देगी, उसको क्या करोगे, डेरिवेटिव निकाल दोगे। डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या करोगे, उसका उसका वैल्यू जीरो जीरो के बराबर कर दोगे। जीरो करने के बाद जो x का वैल्यू निकलेगा उसका एक नंबर लाइन बनाओगे, उस नंबर लाइन को उस पॉइंट को, पॉइंट एक अपने से मान लोगे ये पॉइंट, उससे कुछ बड़ा नंबर बैठाओगे, उससे कुछ छोटा नंबर बैठाओगे, देखोगे f'x का साइन क्या आ रहा है, यहाँ पर बैठाओगे, कहाँ बैठाओगे, जहाँ डेरिवेटिव किया, पहले डेरिवेटिव किया वहां बैठाओगे। अब बैठाने के बाद देखना कि प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, पहले वो डिसाइड कर लेना प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है। जहां पे प्लस आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग, और जहां पे माइनस आ रहा है उसको क्या बोलेगा तू लोग, डिक्रीजिंग, ठीक है। मतलब अब हम लोग सिंपल इसको अब लिखेंगे कैसे, लिखोगे फॉर इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि एफ डैश एक्स क्या होता है, जीरो से बड़ा, यानी x की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, इधर आ जाएगी 3/4 से लेकर इंफिनिटी तक, इधर इंफिनिटी होगा, इधर माइनस इंफिनिटी होगा। मतलब इंक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि f डैश x क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा, यानी होना चाहिए हमारा पॉजिटिव, यानी होना चाहिए क्या 3/4 से इधर तक, यानी जो x की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी, x की वैल्यू क्या निकलेगी 3/4 से इंफिनिटी, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बोलेगा डिक्रीजिंग, यानी एफ डैश एक्स क्या लेना है, जीरो से छोटा, यानी नेगेटिव। तो देखो एफ डैश एक्स नेगेटिव किधर आया, 3/4 से इधर में क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स क्या निकल रहा है, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि हम -1 बैठा दी, इधर कुछ भी बैठा सकता है, कुछ भी, तू -10 -5 -6 कुछ भी बैठा, एक नंबर उधर का एक नंबर इधर का, उससे डायरेक्ट पता चल जाएगा हमको ये प्लस देगा या माइनस देगा। इधर क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, कब, 3/4 से जब इधर आ रहे हैं, किसके तरफ, माइनस इनफिनिटी तरफ। मतलब अगर हमको डिक्रीजिंग चाहिए तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, माइनस इनफिनिटी से 3/4 तक। तो यही हमारा क्या गेट इंटरवल, किसका, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का,
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से समझो, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से सुन लो। सबसे पहले जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछेगा तो क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। हमारी क्वेश्चन दी हुई है fx क्या दी हुई है 2x2-3, क्या करोगे पहले डेरिवेटिव कर दोगे, डेरिवेटिव करने के बाद क्या करोगे क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद क्या करोगे नंबर एंड ड्रॉ करोगे, नंबर एंड ड्रॉ करने के बाद क्या करोगे एक्स बैठाओगे, एक्स बैठाने के बाद क्या करोगे प्लस माइनस चेक करोगे, प्लस माइनस चेक करने के बाद क्या करोगे बता दोगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या है। कुछ ज्यादा जल्दी हो गया ना, देखो समझाओ, अगर नहीं समझ में आए फिर से वीडियो को बैक करो और फिर से समझो, इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको क्या करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन है fx equal to 4x³ - 6x² - 72x + 30। बताना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। वही इंटरवल फाइंड करनी, क्या करनी है इंटरवल फाइंड करनी है। तो जब इंटरवल फाइंड करनी है दैट मींस क्या बोले पहले डेरिवेटिव, पहले डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या होगा इसका बताओ तुम लोग। तो देखो पावर क्या होगा आगे हो जाएगा, तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, और एक पावर क्या होता है घट जाता है तो इतना हो जाएगा। अब 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, और x का एक पावर घट गया तो 12x, और x का क्या होगा डेरिवेटिव 1, यानी बचेगा हम लोग का सिर्फ 72, और 30 का क्या होगा डेरिवेटिव 0। अब डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या हो रहे थे इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्या निकालना है क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या बोले एफ डैश एक्स को क्या करोगे 0 कर दोगे, यानी 12x² - 12x - 72 को क्या करोगे 0 कर दोगे। देखो सब में 12 कॉमन निकल रही, 12 निकाल ले, x² - x - 6 = 0 आ जाएगा। 12 सबको डिवाइड कर दे तो क्या आ गया x² - x+, देखो उसको तोड़ दे 3 और 2 में तो ये टूट जाएगा, तो एक्स को लिख सकता है तो 3 - 2 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, फैक्टराइजेशन कर दे रहे तो कितना निकला x² - 3x + 2x - 6 = 0। तो सिंपल क्या निकला x - 3 और x + 2 = 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या निकला x का वैल्यू, एक निकला 3, एक निकला -2, ये दो वैल्यूज निकला। अब इस दो वैल्यूज को क्या करेंगे नंबर लाइन बनाएंगे, क्या बनाएंगे सबसे पहले नंबर लाइन, तो नंबर लाइन बना देते हैं। कौन कौन सा वैल्यू लेना है, एक लेना है -2, एक लेना है 3, इधर हो गया इन्फिनिटी, इधर हो गया -∞। अब वैल्यूज लेना है, 3 से कोई बड़ा नंबर ले, कोई बड़ा नंबर ले 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 100 ले ले, कोई दिक्कत है नहीं। तो 100 ले कहाँ बैठाना है हम लोग को, यहाँ बैठाना है, कुछ 100 ज़्यादा कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। एक काम कर इसमें से इसको ईजी करने के लिए 12 कॉमन निकाल लें, ये जो काम किया ना इसको यहाँ लिख लें कि ये जो काम किए हैं इसी को ना फैक्टर से किए हैं, तो 12x - 3x + 2 इसको ऐसा लिख ले, ठीक है। अब सोच जब 100 बैठाएगा, क्या बैठा रहा है 100, कोई भी नंबर ले सकते हैं 100 ले लेते हैं। जब 100 लिए तो थोड़ा सोच, जब 100 ले रहे हैं तो यानी x की जगह 100 बैठेगा, तो x की जगह जब 100 बैठा तो ये क्या देगा, ये एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहाँ भी क्या देगा पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो गया पॉजिटिव, यानी पूरा ये क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू, मतलब यहाँ क्या मिलेगा हम लोग को पॉजिटिव मिलेगा। -2 और 3 के बीच में कौन सा एक नंबर ले ले, 1 ले ले, 1 1 1 ले ले ना 1, तो 1 क्या करेगा 1 बैठाएगा तो क्या बैठाएगा, देखो जब 1 बैठाओगे तो 1 - 3 कितना आएगा हम लोग का -2, और यहाँ 1 बैठाओगे कितना आएगा 3, यानी यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी ये क्या दे रहा है हमको नेगेटिव साइन दे रहा है, ठीक है। ये वाली चीज हम लोगों ने लीनियर इक्वालिटी पढ़ी हुई है क्लास 11 में, बट एक बार फिर से रिविजन हो जाती है। -2 से छोटी लेनी है तो कोई भी नंबर ले ले, -4 ले ले, -100 ले ले, -7 ले ले, जो लेगा -4 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है क्या लेते हैं -4 सोच लेते हैं -4, तो -4 जब यहाँ बैठाएगा देखो -4 बैठाएगा तो -4 - 3 कितना होगा -7, तो -7 यानी ये नेगेटिव देगा, यहाँ बैठाओगे -4 + 2 यानी क्या देगा ये नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या देगा पॉजिटिव दे देगा, दैट मीन्स यहाँ भी कौन सी वैल्यू आ गई पॉजिटिव वैल्यू आ गई। दैट मीन्स अगर हम लोग -2 से पहले बढ़े 3 से उधर जाए तो क्या मिला पॉजिटिव, लेकिन बीच में क्या मिला नेगेटिव, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। तो डायरेक्ट हम लोग पता चल गया कि यहाँ पर fx जो है f डैश x, ठीक है ये यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, यानी जब हम लोग पूछ रहे हैं कि इंक्रीजिंग कहाँ पर होगा
और इंक्रीजिंग। तो सिंपल हम लोग बोलेंगे कि इंक्रीजिंग कहां होगी, जहां जहां पॉजिटिव हुआ। तो पॉजिटिव कहां कहां हुआ, माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से माइनस टू। इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है कि एफ डैश एक्स क्या होता है, जीरो से बड़ा। दैट मींस कि हम लोग का जो एक्स कहां से कहां निकला, माइनस इंफिनिटी से माइनस टू। तो जो एक्स निकली वो क्या निकली, माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन थ्री से इंफिनिटी। कोई निकली इधर भी के लिए निकली और इधर निकली, दो वैल्यूज। लेकिन जब पूछ दे डिक्रीजिंग के लिए कहां पर है, क्या पूछ दे डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग पूछा यानी क्या, एफ डैश एक्स क्या पूछा है, लेस देन जीरो, यानी क्या पूछा है नेगेटिव। तो नेगेटिव का है माइनस टू से थ्री। दैट मीन्स एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, माइनस टू से। तो ये इंटरवल हो गया डिक्रीजिंग के लिए और ये वाली इंटरवल हो गई डिक्रीजिंग के लिए। तो ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया, नहीं आया दोबारा रिपीट करो, फिर से देखो इसे और इसे समझो, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन पक्का आता ही है, ठीक है, बोर्ड्स में आता ही है। और इसके क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस, इसको थोड़ा फंक्शन चेंज करके मेंस और एडवांस में ही पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज चल रहा है बोर्ड के लिए, और तो इसलिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बोर्ड्स के लेवल के ही ले रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो उसको, fx दी हुई है sin x plus cos x, ठीक है, x की वैल्यू बोल दी है वो 0 से 2 पाई के बीच है, यानी एक राउंड ही ले रहा है, ठीक है, यानी एक ये वाला हिस्सा यहाँ 0 से शुरू हुई 2 पाई तक यहीं पर आई, ठीक है। तो 0 से कहाँ पहुँचेंगे, पाई बाई 2, इसे क्या बोलेंगे पाई, इसे क्या बोलते हैं 3 पाई बाई 2, इसी से क्या बोलते हैं पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे हम लोग 1 पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4, 3 इसको बोलेंगे 3 पाई बाई 4, इसको क्या बोलोगे 5 पाई बाई 4, इसे क्या बोलोगे 7 पाई बाई 4, मतलब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि अभी समझ में आएगा। देखो अब हम लोग का वही रूल, जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलता है, जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलता है, तो जब भी बोलता है तो क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, कोई दिक्कत नो सर। जब नो सर तो सबसे पहले क्या निकालोगे सर, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या कैसे निकालेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं सर, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे बाबू लोग, जीरो कर देंगे सर। तो जीरो करने के बाद क्या लिखोगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या करोगे, देखो साइन को उधर शिफ्ट कर दो, तो इसको ऐसा लिख सकते हो। अब हमको एक्स निकालना है ना इसमें से, क्रिटिकल पॉइंट निकालनी है ना, तो निकालनी है तो कुछ खुराफाती करनी पड़ेगी, तो साइन को अगर उधर कर दोगे, अब इस कॉस को क्या करोगे नीचे ले जाओगे, तो देखो यहाँ वन बचेगा, बहुत लड़का बोलेगा कि यहाँ सर जीरो बचेगा, कॉस तो ले गया सर कुछ बचा ही नहीं जीरो। अरे गधा, यहाँ नीचे ले जाने का मतलब कि यहाँ वन इंटू क्या है कॉस में है, तो ये कॉस क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, वन यहाँ बचेगा, क्योंकि वन साथ में है ना, वन हमेशा रहता है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, यहाँ नीचे ले जा रहे उधर नहीं ले जा रहे, तो जो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आ गया, तो साइन में कॉस को क्या बोलोगे टेन एक्स, ठीक है। तो मतलब हम लोग का क्या हो गया कि टेन एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब टेन एक्स वन कब कब होता है सोचो, पहले समझो कि टेन क्या है, पॉजिटिव है, टेन यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, तो टेन पॉजिटिव है यानी किस किस क्वाड्रेंट में होगा, या तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो वह थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको निकालते कैसे वो समझा रहे, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। एक्चुअली में डायरेक्ट तो हम पूरा निकाल सकते थे, लेकिन हमें कंडीशन दे दिया कि एक ही चक्कर पे काम करना है, जीरो से टू पाई पे काम करना है, तो या तो टेन पॉजिटिव यानी फर्स्ट होगा या तो थर्ड पे होगा। तो फर्स्ट होगा तो हम लोग को पता है कि वन क्या होता है, टेन पाई बाय फोर पे देता है, यानी 45 डिग्री पे क्या होता है, टेन का वैल्यू वन होता है, पाई बाय फोर पे क्या होता है वन होता है, यानी अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, पाई बाय फोर। लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से चले तो हम बता चुके एक बात बोले थे कि जब भी हमें कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट जानी होती है या जब भी हमें सेकेंड क्वाड्रेंट जानी होती है, तो जब भी थर्ड क्वाड्रेंट जानी होती है तो पाई माइनस
पाई प्लस थीटा का इस्तेमाल करना, और जब भी सेकंड क्वार्ट में जानी होती है तो पाई माइनस थीटा का इस्तेमाल करना। ये चीज हम लोगों ने बताया था कभी, ठीक है, ये चीज हम लोगों ने हमेशा बताया है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री का जब पढ़ाए थे तब बताए थे, ठीक है। तो अभी हमें जाना कहाँ पर है सर, थर्ड में जाना है। तो थर्ड में जाना तो क्या इस्तेमाल करोगे सर, पाई प्लस सर थीटा, थीटा कौन है हमारा पाई बाय फोर, थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा क्या है हमारा कि उस नंबर की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो सकती है, उस नंबर की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो सकती है, मतलब किस एंगल पे वो वैल्यू देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा सोचना, वो नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे निकलेगा। तो वन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो क्या देगा, पाई बाय फोर देगा, पाई बाय फोर पे निकलेगी हमारी वन, तो उस हिसाब से निकालते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या निकलेगा हम लोग का, पाई प्लस पाई बाय फोर, यानी क्या निकलेगा फाइव पाई बाय, यानी सिंपल हम लोग का दो क्रिटिकल पॉइंट निकला, एक निकला पाई फाइव बाय फोर और एक निकला फाइव पाई बाय फोर, यानी एक निकला पाई बाय फोर और एक निकला फाइव पाई बाय फोर, यानी सिंपल एक्स की दो वैल्यूज निकली, एक निकली पाई बाय फोर एक निकली फाइव पाई बाय फोर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, नंबर लग बनाएंगे, तो नंबर लग बनाने से पहले इस फंक्शन को थोड़ा इजी कर लेते हैं, इस फंक्शन को थोड़ा इजी कर लेते हैं, क्या कर ले, जरूरत नहीं है, ठीक है, सोचो समझो। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या निकला, एक निकला पाई बाय फोर, एक निकला फाइव पाई बाय, एक क्या है इन्फिनिटी, एक क्या है माइनस इन्फिनिटी। अब थोड़ा सोचना, पाई बाय फोर पाई बाय फोर फाइव पाई बाय फोर, यानी अगर मान लो दिक्कत हो रहा है तो ये है 45 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 45 और 5, यानी 5 5 25, 5 4 20 यानी 225 डिग्री, कितना है ये 225 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सोचो, अब इस दोनों के बीच कोई वैल्यू ले ले अपने से, इस दोनों के बीच कोई वैल्यू ले, तू ले ले 90 डिग्री, 90 यानी क्या ले ले पाई बाय 2 ले ले। तो जब सोच, जब तू यहाँ पाई बाय टू बैठाएगा, जब यहाँ क्या बैठाएगा तू पाई बाय टू बैठाएगा, यानी जब कॉस पाई बाय टू क्या होता है हम लोग जानते हैं, कॉस पाई बाय टू क्या होता है जीरो। तो जब इस केस पे हम लोग इस अभी इस चीज बात कर रहे हैं, इस एरिया पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग ये वैल्यू बैठाएंगे तो कॉस कॉस पाई बाय टू माइनस साइन पाई बाय टू निकालना है हम लोग को सिंपल। ये वैल्यू कहाँ बैठा रहे हैं अपने, दोनों के बीच में से एक नंबर लिया ना, दोनों के बीच नंबर लिया वो क्या करना है वहां बैठाना है। तो जब पाई बाय टू बैठा है, पाई बाय टू बैठा है तो कॉस पाई बाय टू जीरो होता है, लेकिन साइन पाई बाय टू क्या होता है वन। तो जीरो माइनस वन क्या दिया हम लोग, एक नेगेटिव वैल्यू देगा, माइनस वन देगा ना ये, तो यहाँ पे हम लोग क्या मिल गया नेगेटिव। अब इधर आते हैं, इधर लो 45 से कम लो, तो 45 से कम लेने बोल रहा है तो 30 डिग्री लेते हैं, सॉरी हाँ 30 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ही बोला 30 ले लो। तो जब 30 बैठाएगा तो क्या बैठाएगा, कॉस 30, कॉस 30 यानी पाई बाय 6, कंफ्यूज मत करना, डिग्री से हमेशा बोले 11th में कहा गया है कि सही रख लो। तो कॉस क्या होगा पाई बाय 6 माइनस साइन पाई बाय 6, तो कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई बाय 6 यानी हमारी जल्दी बोलो रूट 3 बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 6 यानी 1 बाय 2। तो 1 बाय 2 कॉमन ले लो तो क्या बचा रूट 3 माइनस 1, रूट थ्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है 1.732 माइनस 1, तो ये हमारी क्या आ जाएगी हाफ इंटू 0.732, यानी ये क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव है यानी सिंपल हो चल गया कि ये जो वैल्यू इधर क्या देगी हम लोग को इधर आएगा पॉजिटिव। अब इधर चेक करना है, तो इधर चेक करना है तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ इन्फिनिटी हमारे सिंपली ले लेना, क्योंकि हम लोग को एक्स की जो वैल्यू है फिक्स कर दी है ना, 0 से 2π लेनी है, तो इसे 0 रहने दो, 0 से 2π के बीच ही ना काम करना हम लोग, पूरे पे काम नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग इधर से कुछ बढ़ा लेते हैं, क्या ले लें, क्या ले लें ज्यादा अच्छा रहेगा बोलो, तुम्ही लोग बोलो। 225 से हम लोग थोड़ा बढ़ा लेना है ना, 225 ठीक है, तो कुछ ले लो 225 ले लो, तुम लोग ले लो 270 ले लो, क्या ले लो 270 यानी हम लोग लेते हैं 3 पाई बाय 2 ले लो, इससे बड़ा कौन होगा 3 पाई बाय 2 होगा ना, ये ले लेते हैं। तो क्या बैठाना हम लोग को, cos 3 पाई बाय 2 माइनस sin 3 पाई बाय 2, तो
तो cos 3 पावर बाय 2 कैसे निकलेगा? देखो यहाँ क्या है, ऑड है, ऑड है यानी चेंज हो जाएगा ये साइन में और बन जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा cos में और बन जाएगा 0 डिग्री। लेकिन अब यह समझो ये हुआ कैसे, किसी का कंफ्यूजन हो सकता है, तो सुन लो। हम लोग ये चीज 11 में पढ़े थे कि अगर cos का कोई या sin का कोई अगर एंगल हो पाई बाय 2 के टर्म्स में, तो तू मान लेना साथ में 0 डिग्री है। क्या मान लेगा तू साथ में? 0 डिग्री है। क्या मान लेगा साथ में? कि 0 डिग्री है। जब मान लेगा तू कि साथ में 0 डिग्री है, तो जब cos जाएगा 0 डिग्री, यानी cos किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, पहले ये सोचो, cos जो जा रहा है वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा 0 डिग्री, यानी वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? वो जाएगा हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब फोर्थ पे जाएगा तो cos क्या देगा? पॉजिटिव देगा। पहले यहां तक समझो, पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव लेगा देगा चेंज और नो चेंज। यहाँ देखो 3 पाई बाय 2 है, हम बताए थे जब भी पाई बाय 2 को दिखेगा तो चेंज कर देना, और पाई दिखेगा तो नो चेंज हो जाएगा, ठीक है? दैट मींस पाई बाय 2 दिख रहा है तो चेंज किस में हो जाएगा? साइन में। तो ये क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री। तो सिंपल, साइन 0 क्या होता है? 0। तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या निकलेगी? 0, ठीक है। लेकिन इधर आओ, अब इस चीज में इसलिए समझो, अगर मान लो दिया हुआ है साइन 3 पाई बाय 2, तो साइन के लिए भी चेंज करेंगे उसी तरह, साइन 3 पाई बाय 2 प्लस 0 डिग्री, अपने से मान लेंगे 0 है, 3 पाई बाय 2 प्लस 0 यानी कहा जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होता है, चेंज होगा या नहीं चेंज होगा? यहाँ पाई बाय 2 दिख रहा है तो चेंज हो जाएगा किसमें? कॉस में। तो कॉस 0 क्या होता है? 1, यानी कितना निकलेगा? -1। कितना निकलेगा? -1। यानी देखो, जब साइन से चेंज किए, जब साइन से चेंज किए तो एक माइनस साइन आ रहा है ना, देखो यहाँ पहले से एक माइनस था ना, इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगा, और cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। दैट मींस यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया? 0 प्लस 1, यानी क्या मिला? 1, यानी ये क्या मिला? पॉजिटिव वैल्यू। मतलब इतना जो मेहनत किए वो किस लिए किए? बस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता करने के लिए, ठीक है? किस जगह इंक्रीजिंग होगा, किस जगह? देखो जहां पॉजिटिव मिला वहां क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स 0 से बड़ा, यानी इंक्रीजिंग। मतलब अगर हम लोग बोले डायरेक्ट लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या हो गई? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, मतलब एक्स कहां से कहां तक लाइक करेगा सर? 0 से पाई बाय 4 सर, और सर 5 पाई बाय 4 से 2 पाई तक सर। लेकिन अगर बोले फॉर डिक्रीजिंग के लिए सर, तो डिक्रीजिंग के लिए सर एफ डैश एक्स क्या होता है सर? 0 से छोटा होता है। तो जब 0 से छोटा यानी नेगेटिव, मतलब एक्स क्या होगा सर? पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 के बीच, ठीक। तो ये हो गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए बस इतने रह जाते हैं कि ज्यादा करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा लेक्चर, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा तो करेंगे ही। अब आता हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेंजेंट और नॉर्मल, ठीक है? इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल? टेंजेंट नॉर्मल का मतलब क्या होता है? मान लो समझो कि हमारे पास कोई कर्व है, अगर कोई पॉइंट हम ले ले अपने से यहाँ, अगर इस पॉइंट को टच करते हुए अगर कोई लाइन गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट। अगर इस टेंजेंट पर, अगर ये जो दूसरा लाइन है अगर इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। बस टेंजेंट नॉर्मल यही अंतर है। मतलब हमारे पास कोई कर्व है, इस पॉइंट को टच किया, टच करते हुए कर्व को गया इस पॉइंट पर, उसको बोल देंगे हम लोग टेंजेंट। टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होगा, मतलब उसी पॉइंट पर टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे।
अब इसमें हमको समझना क्या क्या है। मान लो ये कर्व जो है हमारा, उसकी फंक्शन क्या है, एफएक्स दी हुई है, ठीक है, दो बार जरूरत नहीं एक ही चीज से समझो। अगर फंक्शन क्या हमारी कुछ एफएक्स दी हुई है, तो जो हम लोग का टेंजेंट का क्या निकालना है, हमको इक्वेशन निकालने के लिए बोलेगा या पॉइंट फाइंड करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो जब भी ये जो टेंजेंट निकला, जो ये नाइन निकला, हमारे पास मान लो कोई एफएक्स क्या है हमारी, कोई भी फंक्शन है या कर्व है, फंक्शन है या इक्वेशन ऑफ कर्व, जो बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है। अगर हमको निकालना है पहले टेंजेंट, तो देखो जब भी इक्वेशन निकालनी होती है, जब भी क्या निकालनी होती है, इक्वेशन निकालनी होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो चाहे नॉर्मल निकालना हो, हमें दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, पहली एक स्लोप की और दूसरी एक पॉइंट की। ठीक है, या तो स्लोप की या तो पॉइंट की, ठीक है, मतलब दोनों की रिक्वायरमेंट है। इसका एक और होता है कि दो पॉइंट अगर मिल गया तो भी टेंजेंट निकल जाएगा, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, इसलिए हम लोग टू पॉइंट फॉर्म वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ ये वाला इस्तेमाल करेंगे। तो एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, तो स्लोप कहां से निकलेगा सर, स्लोप निकलेगा हम लोग का एफ डैश एक्स से सर, ठीक है, कहां से निकलेगा, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर, डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं सर, तो यही हमारा स्लोप होगा। अगर टेंजेंट की बात की जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हम लोग कहेंगे dy वाई बाई डी एक्स, लेकिन जब कहा जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए कहा जाएगा, तो हम लोग यूज करेंगे माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये बात थोड़ा सा नोट कर लूंगा। डिटेल पे बात करने का भी टाइम नहीं है कि आया कहां से, ठीक है, अभी सिंपल याद रखो कि जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेगा तो dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ नॉर्मल बोलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब dy बाई dx पे कंडीशन होगा, जो भी तू निकालेगा पॉइंट भी देगा, मान ले ये जो पॉइंट है वो हमारा x1 y1 है, ठीक है, ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट हो गया x1 y1, तो dy बाई dx क्या निकालना है हम लोग को, x1 y1 पर, ठीक है, ये भी किस पे निकालना है हमको, x1 y1 पर। मतलब अगर हम बोले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो हम लोग क्या फॉर्म लगाते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास इलेवेंथ में, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। एक्स वन वाई वन क्या हमारा एक पॉइंट से जिससे पास कर रहा है, m क्या हमारी स्लोप है, यानी क्या हमारी dy बाई dx, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर यही चीज हम लोग को बोल देगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, y माइनस वाई वन ही रहेगा, बट m के जगह dy बाई dx के जगह ये बैठा देंगे, क्या बैठा देंगे, जो उसका स्लोप है नॉर्मल का, ठीक है, यहां तक ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकाला, टेंजेंट की इक्वेशन नॉर्मल और निकालनी है, ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। हमारी जो कर्व की इक्वेशन दी हुई है वो कुछ इस तरह से है, y इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, पॉइंट जो दी हुई है वो है 0.5, तब इस पॉइंट पर वो जो टेंजेंट भी बन रहा है और नॉर्मल भी बन रहा है, ठीक है। तो अभी पता है टेंजेंट नॉर्मल निकालने के लिए जब भी इक्वेशन बोलेगा तो हमको dy बाई dx चाहिए और माइनस वन बाई dy बाई dx चाहिए, ये किसका स्लोप होता है, टेंजेंट का नॉर्मल का। इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, y डैश निकालेंगे, y डैश यानी सिंपल बोलो dy बाई dx निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, dy बाई dx निकालेंगे, तो dy बाई dx निकालेंगे तो एस पर क्या निकलेगा, 4x क्यूब, इसका निकालोगे तो क्या निकलेगा, अगर 6 है माइनस 6 एक्स क्यूब का निकालोगे तो क्या निकलेगा हमारा, 18x स्क्वायर, इसका निकालोगे तो क्या निकलेगा, 32 या 26x, इसका क्या निकलेगा, माइनस 10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला है, जो dy बाई dx निकालना है हमको, ये किस पॉइंट पे निकालना है,
निकालना है 0.5 पर। तो 0.5 यानी x की वैल्यू क्या उठानी है, 0 उठानी है, माइनस 18 जीरो का स्क्वायर प्लस 26 जीरो माइनस 10, यानी ये सब जीरो हो जाएगा, निकलेगा क्या माइनस 10। ये किसका स्लोप निकला, टेंजेंट का, इसको क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। तो सिंपल अब हम लोग डायरेक्ट क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लेकिन पास किससे कर रहा है, टेंजेंट पासेस थ्रू जीरो और फाइव, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग इक्वेशन क्या बोले थे, y माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, यानी यही हमारा क्या है, एक्स वन और वाई वन। तो y माइनस फाइव इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स निकाले हम लोग माइनस टेन, एक्स माइनस एक्स वन यानी जीरो। तो सिंपल क्या निकला, वाई माइनस फाइव माइनस टेन एक्स, सिंपल इसको इधर लेते आओ, तो वाई प्लस टेन एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, या क्या निकली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर हम इधर निकाले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो अगर हमको बोला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दैट मीन्स हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाली y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है। एक्स वन वाई वन क्या होगा हम लोग का, फटाफट बोलो, वाई वन हो जाएगा फाइव, यही एक्स वन वाई वन, और माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स यानी क्या लिखना है, नो डी वाई डी एक्स माइनस टेन, तो ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन यानी जीरो। तो देखो ये 10 इधर आ जाएगा, तो कितना हो गया 10y माइनस 50 इक्वल टू x। अब इस दोनों पार्ट को उधर ले जाओ, x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू जीरो, ये निकली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये निकला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये निकला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बस ऐसे बनाना है और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है कि हम लोग किसी रिस्पेक्ट में क्या बोलेगा कि टेंजेंट निकालने के लिए, ठीक है। जैसे समझो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, देखो पहले कर्व का इक्वेशन दिया होगा, पहले समझ लो क्या क्या दी हुई है। कर्व की इक्वेशन हमारी दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन, हमको टेंजेंट निकालना है, क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। पहला कंडीशन है ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू 2x माइनस y प्लस 9 पर है, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, इस लाइन के पैरेलल है, मतलब ये हमारा कोई लाइन है 2x माइनस y प्लस 9, ठीक है, इसी के पैरेलल टेंजेंट है, पहला कंडीशन, ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि जो टेंजेंट होगा वो इस पे परपेंडिकुलर होगा, यानी 5y माइनस 15x इक्वल टू 12 पे परपेंडिकुलर होगा। ये एक लाइन है हमारा, अभी दे रहा पहले परपेंडिकुलर टू 5y माइनस 15x इक्वल टू 13 है, इस 13 को इधर लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा, माइनस 13 इक्वल टू जीरो, इस लाइन पे क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर, मान लो ये लाइन है हमारा 5y माइनस 15x माइनस 13, इस लाइन पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है, कौन से क्या चीज, टेंजेंट, ठीक है। इसको देखो बनाएंगे कैसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको अच्छे से, तो समझना है इसको। हम पहला केस फिर दूसरा केस पे बात करते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन कैसे समझो, हमारी जो fx है वो क्या है, x square minus 2x plus 7 दी हुई है, तो हम लोग सिंपल क्या निकाल लेंगे, पहले f dash x निकाल लेंगे, f dash x यानी क्या निकाल लेंगे, dy by dx, इसको यही लगाएंगे हम लोग,
इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव अगर बोलोगे x2 का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, 2x लिखोगे, इसमें आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 2x की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हम लोग फटाफट 2 कॉमन निकाल लेंगे तो कैसा दिख जाएगा, सिंपलिस्ट कर देते हैं x - 1, ये हो गया इसकी डेरिवेटिव, dy/dx = 2x - x। ठीक है, अब समझो थोड़ा सा, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना हम लोग को कि अब हम लोग को जब देखो कि हम लोग को ये तो लाइन के पैरेलल होगा, बट ये जो टेंजेंट होगा किसी कर्व पे बनेगा ना, ये भी जो टेंजेंट होगा ये किसी कर्व पे होगा ना, बात समझो। तो ये जो टेंजेंट है इसका ये जो पॉइंट है हमारी x1 y1, ये तो नहीं ना बताया हमको, ये जो टेंजेंट है ये जो पॉइंट है हमारी x1 y1, ये नहीं पता है। तो ये हमको सबसे पहले ये पॉइंट चाहिए, कुछ करना चाहे नहीं करना, ये पॉइंट चाहिए हमको। तब ये पॉइंट पहले कैसे निकलेगा, अब सोचो थोड़ा सा। पहले फर्स्ट केस में आते हैं, इस फर्स्ट केस को पहले समझते हैं। देखो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, बॉक्स के अंदर कर दे रहे हैं, समझने में तुम लोगों को थोड़ा आसानी हो जाए। फर्स्ट केस में क्या बोला है, ये जो हम लोग का जो गिवन टेंजेंट बन रहा है, टेंजेंट वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। तो पहले हम इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, इस लाइन का इक्वेशन देखो। तो हम लोग को गिवन लाइन क्या है, पर समझो 2x - y + 9 = 0 दी हुई, इसको हम लोग को y = mx + c के फॉर्म में पहले लाना है। तो जिससे m क्या है, हमको स्लोप निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगा। दैट मींस हम लोग क्या करेंगे, देखो y को अकेला छोड़ना, y को उधर कर दो, तो y = क्या निकला हम लोग का, 2x + 9, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है। इससे हमको समझ में आ गया कि m की वैल्यू क्या निकली, 2। तो ये 2 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन है। देखो अब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अगर दो लाइन अगर पैरेलल पे है, अगर दो लाइन पैरेलल पे है तो दोनों की स्लोप क्या होती, इक्वल होती, यानी जो लाइन की स्लोप होगी वही टेंजेंट की स्लोप होगी, यानी स्लोप ऑफ जो टेंजेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा हम लोग का, पहला केस में। अब देखो dy/dx को ही क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, यानी यही हमारा क्या है, dy/dx यानी क्या है, 2x - 1 है, यहाँ तक समझो। तो देखो अब इसको इक्वेट कर दोगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x - 1 = क्या हो गया, 1। ठीक है, यहाँ क्या किया, देखो 2 से 2 काटे, 2 - 2, तो कितना निकला x - 1, x की वैल्यू क्या निकली, मतलब जो पॉइंट निकला x क्या निकला, वो 2 निकला, मतलब ये x यानी x1, ये क्या निकला, 2। अब इस x की वैल्यू कहाँ बैठाएंगे, fx पे, ठीक है, यानी f2 निकालेंगे, F2 निकालेंगे, मतलब सीधा फंक्शन पे बैठाएंगे, तो उससे क्या मिल जाएगा हमको, y मिल जाएगा, तो यानी 2² - 2.2+7, यानी 2 2 = 4 - 4 कट गया तो 7, यानी ये हमारी क्या निकल गई, y, मतलब जो पॉइंट है वो क्या निकला, 2 और 7, मतलब इस केस में जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, 2 और 7 पॉइंट। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जब हमें ये पॉइंट पता चल गया, जब हमें पॉइंट पता चल गया तो इक्वेशन ऑफ क्या करेंगे, टेंजेंट निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, अभी पढ़े थे हम लोग, y - y1 dy/dx x - x1, इतना तो तू लोग कर सकता है, खाली हम यहाँ पुट कर देते हैं, तू लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो y माइनस क्या हो जाएगा, y1 वन की जगह क्या बैठाओगे, अभी निकाले हम लोग 7, dy/dx की जगह अभी क्या निकाले, 2, और x1 भी निकाले हम लोग 2, x क्या निकाले, 2। ठीक है, इस इक्वेशन को तुम लोग सॉल्व कर लोगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नॉर्मल पे, अब आते हैं इस नॉर्मल, इसको अलग कलर से लिख देते हैं, ये तो मिसमैच हो जाएगी हम लोग की। अब क्या करना है, अब क्या बोला, इस लाइन में परपेंडिकुलर है, पहले जो हमारा लाइन है वो क्या है, 5y - 15x - 13 = 0। अब इसको भी कैसा दिखना पड़ेगा, y mx + c के जैसा। तो अब क्या करो, इसको 5y रखो, उस दोनों को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 15x + 13। ठीक,
अब देखो सबको 5 से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा हमको, 3x प्लस 13 बाय 5। अब इससे हमको देखो m का वैल्यू निकल गया कितना, 3, m 3 निकल गया। जब m 3 निकल गया तो इसको क्या, ये क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन है, ये लाइन का ना स्लोप निकला। अब देखो क्या बोला है कि जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है और ये जो लाइन है, ये दोनों क्या है, दूसरे में परपेंडिकुलर है। जब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो हम लोग जानते हैं कि जब भी दो लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो एक का स्लोप और दूसरा का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस वन। यानी स्लोप ऑफ लाइन और स्लोप ऑफ टेंजेंट की प्रोडक्ट क्या होगी, माइनस वन। तो स्लोप ऑफ लाइन तो 3 है, टेंजेंट हमको अभी नहीं पता है, उसको एम वन मान लो, टेंजेंट को एम टी वन ऐसे मान लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस वन। यानी क्या निकला, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बोलोगे, माइनस वन बाई 3। अब इस स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या बोलोगे हम लोग, डी बाई डी एक्स बोलते हैं, बिल्कुल सर, ठीक। अब इस डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 2x माइनस वन सर। अब क्या करो, देखो ये इस 2 को क्या करो, इधर लेते आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई 6 सर, तो क्या हो जाएगा x माइनस। अब इस 1 को जब इधर शिफ्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा, माइनस वन बाई 6 प्लस 1, तो ये निकलेगा x की वैल्यू। यानी जब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 5 बाई 6। मतलब ये जो पॉइंट निकला वो x1 निकला, ये क्या निकला हमारा, x1, ठीक है, याद रखना, ये क्या निकला हमारा, x1 निकल रहा है, ठीक है, x निकल रहा है, यानी x1 निकल रहा है। ये कौन सा पॉइंट निकल रहा है, ये वाला पॉइंट निकल रहा है। तो हमारा x1 तो निकल गया 5 बाई 6। अब बात करते हैं y1 की, तो y1 निकालने के लिए ये वैल्यू कहां बैठा हुआ होगा, यहाँ पर fx पर, ठीक है। तो देखो इसको इरेज कर देते हैं टेंजेंट वाला को, ठीक है। तो अब क्या निकाल लेंगे, f 5 बाई 6, यही हमारा क्या होगा, y1 होगा, यानी दूसरा पॉइंट होगा ये वाला, इसके लिए सेकंड केस के लिए कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड केस चल रही है हमारी। तो y1 कितना निकलेगा हम लोग का, 5 बाई 6 का होल स्क्वायर माइनस 2.5 बाई 6 कितना निकलेगा, 25 बाई 36 माइनस हो जाएगा हम लोग का 2.5×10^6 एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा 36, तो हो जाएगा ऊपर 25 माइनस 6×6=36 यानी 60 प्लस, और 7 के बारे में कितना, टोटल 36 आ रहा है ना, तो 36 7 से 2 हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा 7×6=42 का 2 4 हाथ में, 7×3=21 और हमारी 4×25=252 तो 252 प्लस 25 हमारी हो जाएगी 7 5 2 7 एंड 2 माइनस करना है 60 यानी 217 by 36, ठीक है। ये हमारी क्या निकलेगी, y1, ये हो गया x1, ये हो गया y1। अब इसी से क्या निकल जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये क्या निकलेगा, y माइनस y1 m x माइनस, तो y माइनस y1 के जगह क्या बैठा होगा, 217/36 और m के जगह क्या निकाले, अभी निकाले हम लोग स्लोप, क्या निकाले हैं, -1/3 और x1 के जगह 5/6, ये हमारा क्या आ जाएगा इक्वेशन, ठीक है। हम लोग थॉट्स की बात करेंगे, तो आज का जो थॉट है वो कुछ इस तरह से है, मंजिले उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिले उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती है जिन्हें जिसकी जिद बड़ी होती है, ठीक है। तो आज का ये मोटिवेशन था, तो हम लोग नेक्स्ट डे इसी तरह के, अब हम लोग ये करेंगे वीडियो में, हम लोग दो मोटिवेशन करेंगे, ठीक है, एक वीडियो की स्टार्टिंग पे, एक वीडियो के एंड पे, जिससे तुम लोग कुछ लाइंस को याद रखोगे जो तुम लोग को मोटिवेट करेगी पढ़ाई के थ्रू या अपने लाइफ के थ्रू, जो भी करना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो उस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद में बड़े होते हैं, जिनकी जिद बड़ी होती है वही अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब बात यहाँ पे उठता है कि सर आपने बोला टेंजेंट नॉर्म पूरे कंप्लीट कराएंगे, बट देखो लेक्चर क्या हो रही थी, बहुत बड़ी हो जा रही थी, इसलिए लेक्चर को शॉर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको दो पार्ट में फिर से डिवाइड करना पड़ जा रहा है हमको, कि नहीं तो लेक्चर जानता है बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या कर रहे हैं कि टेंजेंट नॉर्मल तक रहने दो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे अप्रोक्सीमेशन और क्या कर लेंगे हम लोग एक टॉपिक के मैक्सिमम मिनिमम, अप्रोक्सीमेशन और मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस और टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे किसमें, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग कुछ कोड्स के साथ और कुछ लेक्चर के साथ। बाय बाय।